गरियाबंद जिला प्रशासन द्वारा गरियाबंद जिला मुख्यालय से दूर घोर नक्सली क्षेत्र दरीपारा में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। विकास खंड स्तरीय समस्या निवारण शिविर में गरियाबंद अपर कलेक्टर जेआर चौरसिया, जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपाल अधिकारी संदीप अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी विश्वदीप यादव सहित गरियाबंद विकास खंड के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। प्रशासन द्वारा शिविर लगाने का उद्देश्य नक्सली क्षेत्र जंगलों के बीच में बसे ग्रामीणों को शासन प्रशासन द्वारा भी योजनाएं लोगों के लिए लागू किया जाता है, वह योजनाओं से ग्रामीण वंचित हो जाते हैं। जिले के सभी विभाग के अधिकारी शिविर में सम्मिलित हुए और खंड स्तरीय शिविर में सभी विभाग के कर्मचारियों द्वारा बारी बारी से विभाग में चल रहे शासन की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को रखा तो वही प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन द्वारा जन समस्या शिविर का आयोजन किया जाता है, सभी ग्रामीण शासन प्रशासन द्वारा योजनाओं का लाभ मिले। प्रशासन द्वारा शिविर का आयोजन किया जाता है लेकिन हम ग्रामीणों को इस शिविर से कोई लाभ या कोई फायदा नहीं होता है। ग्रामीणों का कहना है कि हम खेती का कार्य छोड़कर शिविर में सम्मिलित होते हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। पिछले बार भी शिविर लगाया गया था और प्रशासन के द्वारा हमारी समस्याओं का निराकरण होगा करके आश्वासन दिया गया था, लेकिन हमारी समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। प्रशासन केवल अपने दिखावे के लिए शिविर का आयोजन करती है, ऐसे ग्रामीणों ने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है। अपर कलेक्टर जिला सीईओ संयुक्त कलेक्टर एसडीएम द्वारा ग्रामीणों के वन अधिकार पट्टा विश्वकर्मा दुर्घटना योजना के तहत 30,000 रूपए क्षतिपूर्ति के साथ श्रम विभाग द्वारा हितग्राहियों के चेक वितरण, पुलिस विभाग द्वारा छात्र छात्राओं के बैट बॉल वॉलीबॉल सहित चप्पल व गमछा वितरण भी किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर जेआर चौरसिया ने कहा कि इस तरह के शिविर का आयोजन जिले के सभी विकास खंडों में संचालित किया जाए ताकि शासन की महती योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिल सके। शिविर में उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्जी लगाने वाली महिला समूहों को सब्जी बीज के साथ स्प्रिंकलर दिया गया और ग्रामीण के हित को देखते हुए एडिशनल एसपी संतोष महतो ने आम जनता और पुलिस की दूरी कम करने के लिए उन्हें पंचायत में काम को भी अपनी जिम्मेदारी में लेने के लिए सीआरपीएफ कैंप में भी कोई आदमी अपने आवेदन को जमा कर सकता है, आवेदन को कलेक्टर में जिस विभाग में होगी वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसमें हमारे जिला प्रशासन के पूरे 34 विभाग हैं, सभी जिला स्तरीय अधिकारी इस शिविर में उपस्थित हुए थे और कलेक्टर महोदय की जैसी सोच थी कि एक जगह शिविर आयोजित हो, 5-7 पंचायतों के क्लस्टर में उसको जोड़ा जाए और सभी अधिकारी एक मंच पे एक जगह बैठ के ग्रामवासियों की समस्याओं का निराकरण करें, इसी उद्देश्य से आज दरीपारा में विशेष शिविर, जन समस्या निवारण शिविर, जो उसको अपन कह सकते हैं जन चौपाल, इसका आयोजन किया। पुनः इस तरह दूरस्थ अंचल पे हम पीपर छेड़ी और आगे शिका शेर वगैरह में ऐसा आयोजन करने का हम सोच रहे हैं और वो तिथि फिर गाँव वालों को अवगत कराएंगे। काफ़ी नक्सल प्रशासन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता, हमारी पहुँच सभी जगह होना चाहिए ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और मैं तो नहीं जानता क्या घटना हुई थी, लेकिन हम चूँकि प्रशासन की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक और हितग्राही तक पहुंचाते हैं, इसलिए हमारा आना जाना रहता है और हम हमेशा दूरस्थ अंचलों पे ऐसा प्रयास करने का प्रयास करेंगे। यह पानी कांजी की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ा हमन दिक्कत से अपन गांव ले आए, यहाँ शिविर लगे कहीं सुने जल समस्या निवारण हो कहीं शिविर लगा रही है, हमारे समस्या के निदान हो जाए कहीं के हमन अपन गाँव से यहाँ दर्रीपारा गाँव आए तो देखते तो यहाँ भीड़ तो सकला है लेकिन कोई समस्या के समाधान हो ही कहीं आहन, लेकिन समस्या के समाधान हो ही कि नहीं हो का पता, लेकिन अधिकारी मन कर देन और लिख लिख के दे दें, अब आगे हो ही कि नहीं हो ओकर बारे में हमन नहीं जानन। अब देखन तो यहाँ तो हमन हाँ सकला है कि कर, पानी की व्यवस्था नहीं है न कुछ व्यवस्था नहीं है, आवेदन सब ला लिख पढ़ के उकर कर जमा कर दें, अब आगे हो ही कि नहीं हो अब हमन नहीं जानन। हमन जैसे अपन जंगल एरिया में खेत धरे हन पट्टा बनाए बर, अब्बड़ दिन के खेत ला धरे हन लेकिन ओला कोड़ खन के कमाप खात हन, लेकिन ओकर पट्टा के मांग करें पट्टा आज तक मिले नहीं है। और जैसे हमार अभी शासन कथे कि नल जल योजना के तहत फायदा मिले ऐसे कही कथे तो वो फायदा घलो हम नहीं मिला थे, ऐसा ऐसा बात ला रखे हन लेकिन अब आगे का हुई बोला का बता। लेकिन पिछला बार यही आवेदन माला लेके अधिकारी मन के पास में आ रहे हैं कि जमीन के पट्टा के बारे में जल के बारे में ऐसे ऐसे समस्या ला लेके आ रहे हैं और फिर दूसरा बार आए, लेकिन इस समस्या के समाधान अभी तक के नहीं हो पा रहे, अभी कब हुई कौन जाने भगवान जाने। सही बात दिखा थे काबर हमन
पब्लिक ल सकेल लेथे और तुहर समस्या के समाधान करबो ऐसे कह के सब झन ल बोला थे और हमन ह कागज ल जमा कर देथन लेकिन वो कागज के कोई सुनवाई नहीं होय कहां जाके जमा हो जाते पता नहीं चली। मतलब पिछले बार भी आप शिविर में कागज जमा करो। नाइन भारत के लिए लक्ष्मण साहू की रिपोर्ट, गरियाबंद। जिला कोरिया मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत चंपा झार की प्राथमिक शाला पकड़ी झरिया विद्यालय की हालत जर्जर है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली और साथ ही प्लास्टर भी गिर चुके हैं। आप विजुअल में इसको साफ देख सकते हैं। पकड़ी झरिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश प्रसाद पैकरा के द्वारा बताया गया कि मैं यहां 2012 से पदस्थ हूं। विद्यालय की स्थिति दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। इस विद्यालय में 21 बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमें भी भय बना रहता है। नीचे फर्श पर बच्चे बैठते हैं, पढ़ाई के लिए ऊपर छत का प्लास्टर अचानक झड़कर गिर जाता है, जिससे कभी कभी बच्चों के साथ शिक्षकों के साथ हादसा भी हो सकता है। प्रधान पाठक राकेश पैकरा ने बताया कि हमारे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, विधायक प्रतिनिधि एवं जिला जनपद पूर्व में पदस्थ कलेक्टर महोदय को भी लिखित शिकायत की गई, परंतु अभी तक कोई भी मरम्मत के लिए कार्यवाही नहीं की गई है। न पदस्थ कोरिया कलेक्टर श्री श्याम धावड़े से प्रधान पाठक राकेश पैकरा ने आशा व्यक्त की है कि इस विद्यालय की मरम्मत तत्काल करवाया जाए। ग्राम पंचायत चंपाझार के वरिष्ठ नागरिक एवं वर्तमान सरपंच पति श्री विजय सिंह एवं ग्रामीणों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया कि साथ ही ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर जनपद को लिखित अवगत कराया गया। विद्यालय जाने के लिए सड़कों पर अभाव है, रेलवे के कई पुल के नीचे पानी भरा है जिसे पार करके शिक्षक एवं बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिसको लेकर चंपाझार सरपंच श्री विजय सिंह खबरों के माध्यम से मांग करते हैं कि विद्यालय की मरम्मत या नए विद्यालय भवन की स्वीकृति की जाए और साथ ही बच्चों एवं शिक्षकों को विद्यालय तक जाने के लिए सड़क की व्यवस्था भी की जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर राकेश प्रसाद पैकरा। विद्यालय के क्या नाम है? विद्यालय का नाम है सर प्राथमिक शाला पकड़ी झरिया। ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत चंपाझर। कब से पदस्थ हैं आप यहाँ? सर मैं 2000 सर मैं 12 से पदस्थ हूँ। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ सर अभी 21 बच्चे हैं। और विद्यालय की स्थिति तो काफ़ी जर्जर है, इसकी इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? सर विद्यालय की स्थिति बहुत जर्जर है सर, यहाँ बरसात के दिनों में बैठने लायक की स्थिति नहीं रहती है। हम लोगों ने आवेदन दिए हैं, एक CSC साहब को भी दिए हैं सर, और ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच जी को भी हमने एक आवेदन दिया है सर। तो ये प्लास्टर पूरे झड़े हुए हैं, आप अपने रिक्शे पर विद्यालय चला रहे हैं? क्या करें सर, मजबूरी है हमारी, अब कहाँ लगाएं सर, किसी के यहाँ गांव में जगह ही नहीं है। बरसात के दिनों में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है सर, हम बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान में बैठाते हैं सर, और पढ़ाई करने में हमें बहुत परेशानी हो रही है जी। हमारे यहाँ की प्लास्टर विद्यालय की प्लास्टर झड़ चुके हैं सर, छत काफ़ी जर्जर है, छड़े दिख रही है, सड़ गए हैं, छड़ जर्जर है और जो प्लास्टर हमारा काफ़ी आप गिर रहा है सर, और इसमें नए कलेक्टर जी आए हैं, हम उनसे आशा करते हैं कि बिल्डिंग की मरम्मत तत्काल कराएं या इस स्थिति को देखते हुए नई बिल्डिंग की यदि शासन के पास यदि कोई प्रावधान हो तो हमें नई बिल्डिंग उपलब्ध कराएं। विजय जी ये बताइए कि आप चंपाझर के प्रथम नागरिक वरिष्ठ नागरिकों में आते हैं जी। और काफ़ी सम्मानित है चंपाझर ग्राम पंचायत में आप सम्मानित है, आपके चंपाझर ग्राम पंचायत में ये क्या झरिया, क्या विद्यालय का नाम क्या है जी? पकड़ी झरिया। पकड़ी झरिया विद्यालय की स्थिति काफ़ी गंभीर है, इस विषय में क्या आप लोगों ने निर्णय लिया या क्या कदम उठाए? ग्राम सभा में इसको दे चुके हैं, यहाँ तक कि जनपद में भी इसके लिए आवेदन लिखित में दिया गया है जी। और जिला में भी आवेदन दे चुके हैं। अच्छा, मगर अभी तक कोई कार्यवाही तो नहीं हुई है। अच्छा, शासन से उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इनके लिए मरम्मत या नई बिल्डिंग का कुछ प्रावधान करें। छतें काफ़ी जर्जर स्थिति है, बच्चे जमीन में पड़ते हैं तो कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। नाइन भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। खबर राजनांदगांव से है जहां जिले के गंडई ब्लॉक में कांग्रेस जनों द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव शहर के युवा नेता अभिमन्यु मिश्रा ने अपने सहयोगियों के सहित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्र के आगामी चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वर्तमान गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की व पूरे वक्त क्षेत्र की राजनीति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, युवा कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की व छत्तीसगढ़ सरकार व युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान व कार्यक्रमों से अवगत कराया।
कराया। बैठक के दौरान अभिमन्यु मिश्रा ने मुख्य रूप से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सहित युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल व एक बूथ 10 यूथ अभियान के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा जन जन को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। वह युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश प्रभारी एकता ठाकुर जी व प्रदेश अध्यक्ष कोको पाठी जी के निर्देशानुसार व गरिमा मई उपस्थिति में पूरे प्रदेश सहित राजनांदगांव में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जिले में भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यंग इंडिया के बोल एवं एक बूथ यूथ एक सामान्य से कार्यकर्ता को संगठन के सीधे जुड़ने का मौका दे रहे हैं, जहां एक और यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम में भाषा प्रतियोगिता के माध्यम से एक कार्यकर्ता अपने बोलने की क्षमता के आधार पर सीधा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं जमीनी कार्य करने वाला कार्यकर्ता एक बूथ 10 यूथ अभियान के जरिए अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। उक्त बैठक के जरिए युवाओं को इन बातों से अवगत कराने के अलावा क्षेत्र के युवाओं को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने का भी संकल्प लिया। उक्त बैठक में युवा नेता अभिमन्यु मिश्रा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मराज ताम्रकार आदि सभी उपस्थित रहे। पंडरिया में एक बैठक हुई युवा कांग्रेस से, तो इस बैठक के लिए किस वजह से और क्या बैठक है इसका बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अपनी अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर स्टेट के अलग अलग कोने में पहुंच रही है, तो इसलिए राजनांदगांव के कोने कोने में पहुंचने के लिए हम भी आज गंडई आगमन हुआ है। 3 मुख्य कार्यक्रम है जिसको लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, उसके बारे में जानकारी सबको दी गई है। उसमें से पहला सबसे पहला कार्यक्रम है यंग इंडिया के बोल, जो सीधे भारतीय युवा कांग्रेस का प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम के आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर के सीधे अपना भाषण प्रतियोगिता में भाग लेके आप कांग्रेस युवा कांग्रेस के प्रवक्ता बन सकते हैं। इसमें जिला स्तर से लेके आप प्रदेश प्लस राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता आप चयन होकर जा सकते हैं। एक ये दूसरा कार्यक्रम हमारा है एक बूथ 10 यूथ। एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम से हम नए सदस्य जुड़ेंगे, उन नए सदस्यों को अलग अलग एक्टिविटीज में जोड़ा जाएगा। सब किसी को हर किसी को प्रशस्ति पत्र मिलेगा, एक एक कार्ड मिलेगा सदस्यता का, बिल्कुल रायपुर से साइन किया हुआ, और उसके लिए एक अलग शिविर लगा के हमें आयोजन यहाँ पे रखेंगे जब उसकी सदस्यता बांटी जाएगी। तीसरा है छत्तीसगढ़ सरकार की युवाओं के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब। इसके तहत हर वार्ड में वार्ड स्तरीय ग्राम पंचायत स्तरीय एक एक क्लब का गठन होगा, जिसमें युवा अपने रुचि अनुसार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कोई भी एक कार्यक्रम कुछ कुछ दिनों में अपना एक्टिविटी करते रहें, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार सालाना एक क्लब को 1,00,000 रुपए का अनुदान। सर ये बताइए कि 2.5 साल तो गुजर गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार को, 2 साल लगभग बचा है चुनाव को, क्या कांग्रेस सरकार को भूपेश सरकार को अब इन चीज़ों की याद आ रही है क्या? जब सत्ता सरकार बनी थी 2.5 साल गुजर गए हैं, 3 साल हो रहे हैं लगभग, तो इससे पहले याद नहीं आई थी कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है? युवाओं के दम पे तो कांग्रेस दोबारा सर ये सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, मतलब ये कहा जाए कि आप लोग जो निकले चुनाव की आगामी चुनाव की तैयारी करने के लिए। हाँ, चुनाव को बिल्कुल अभी हमारे कार्यक्रम के द्वारा पूछा गया है। राजनांदगांव में हमारा युवा संकल्प कार्यक्रम हो, उसके लिए हमने घोषित कर दिया कि चुनाव की तैयारी युवा कांग्रेस से चालू कर दी। युवाओं के दम पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस इस बार जी, ये माना जाए बिल्कुल। चलिए अपना नाम और पद बताइएगा। अभिमन्यु मिश्रा, राजनांदगांव कांग्रेस से। मैं भी अभी एक प्रवक्ता के पद के लिए ही फॉर्म भरा हुआ हूँ। ओके सर। R9 भारत के लिए गोपी वर्मा की रिपोर्ट, श्वेता दास।